हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची का सालन, बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अचारी मिर्च लिया है। अचारी मिर्च की जगह पे आप शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्च को मैंने अच्छे से वॉश करके कॉटन के कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया है। चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, मिर्च ले लेंगे, डंडी कट कर देंगे। मिर्च में हमें कट लगाना है, एक साइड से मिर्च जुड़ा रहना चाहिए। ऐसे कट लगाना है। मिर्च के अंदर जो बीज है उसको हटा देंगे। ऐसे मिर्च तीखा नहीं होता पर बीज अच्छा नहीं लगेगा। बस ऐसे ही सारे मिर्चों में कट लगा के बीज हटा देंगे मिर्च का। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ सफ़ेद तिल मिक्सी जार में रखेंगे, 5 से 6 कली लहसुन, 1/2 इंच इतना अदरक, 1 छोटे साइज का कट किया हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज का कट किया हुआ टमाटर, 2 से 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड नारियल। थोड़ा सा पानी रख के पीस लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल रख लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मिर्चों को डाल लेंगे। मिर्चों को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि मिर्चों के ऊपर गेहुआ रंग ना आ जाए। मिर्च काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। एक साइड में रख लेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 6 से 7 कड़ी पत्ता, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भून लेंगे। बस कुछ सेकेंड भूनेंगे, ड्राई मसाला है तो जल जाएगा ज़्यादा देर भूनने पे। पिसा हुआ मसाला लगातार चलाते हुए मसालों को भूनेंगे ऑयल रिलीज होने तक। मसाला काफी अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। पानी रखेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 ग्लास पानी डाला है। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आने लग गया है, मिर्च डाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच इमली पल्प मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के ग्रेवी गाढ़ा होने तक पकाएंगे सब्जी को। ग्रेवी गाढ़ी होने लग गई है, आप देख पा रहे होंगे स्पैचुला पे ऐसे। ये ठंडा होने पर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। गैस को ऑफ कर लेंगे। बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। हमारा मिर्ची का सालन बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप भी इस तरीके से मिर्ची का सालन ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।